आरा रांची ट्रेन में यात्रा के दौरान विक्रमगंज स्टेशन के समीप लुटेरों ने महिला यात्री से छिनौती कर परिजनों से किया मारपीट। हाजिर में शेख मजाहिद हुसैन आबादी आरबीसी चैनल के माध्यम से। इस वक्त की बड़ी खबर में आपको बता दूं कि गुज़िश्ता दिन आरा रांची ट्रेन यात्रा में एक महिला के साथ यात्रा करते हुए कई बदमाशों ने उससे छिनौती की और उनके परिजनों से मारपीट की। ये मामला आपको बता दूं कि सासाराम आरा रेल लाइन पर उस वक्त घटना घटी जब आरा से सवार होकर महिला यात्री रांची जा रही थी। इसी दौरान बदमाशों ने पहले बदतमीजी कर उनके सीट पर बैठ गए, फिर पलक झपकते ही मंगलसूत्र चैन गले से छीन कर भागना चाहा। बदमाशों ने इस दौरान ट्रेन के वैक्यूम कर करके भागने की कोशिश की, मगर यात्रियों ने बदमाशों को पकड़कर रेल पुलिस के हवाले कर दिया। इस दौरान लुटेरों ने भी पीड़ित महिला यात्री के देवर से मारपीट किया, जहां घायल देवर का इलाज सदर अस्पताल सासाराम में चल रहा है। यात्रियों की तत्परता के कारण मारपीट करते दो बदमाशों को रेल पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है। सासाराम जीआरपी थाना अध्यक्ष सतेंद्र प्रसाद ने जानकारी दिया कि विक्रमगंज में गाड़ी को छीन किया गया और पांच सात लड़का इकट्ठा हो गया, उसका चैन छीन के भाग रहे थे। चैन और क्या है, मंगलसूत्र मंगलसूत्र वगैरह सामान था, और विरोध करने पर उस लड़का के साथ में और महिला के साथ में लोग पाँच छः आदमी मारपीट किए, जो सदर अस्पताल में हम इंजरी कट गए और करा रहे हैं। खुद हम सदर गिरफ्तारी है भी क्या सर में दो व्यक्ति की मतलब कि हम लोग गिरफ्तार किए हैं और पाँच चार व्यक्ति मतलब अज्ञात थे जो मतलब कि भागने में सफल हो गए और दो व्यक्ति पर हम लोग कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं। बने रहिए आरबीसी चैनल पर, हम कराते रहेंगे आपको हर हकीकत सुरगुरु। रिपोर्ट संतोष कुमार दुबे की सासाराम से।